इरहाब इंजीनियरिंग कॉलेज। ये देख ये होय, ये फिर से हुआ होय, ये हो गया होय। अरे दादा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी जो है मैं हम सेकंड ब्लॉग शूट कर रहे हैं HVPN का। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखा, उसके बाद ही उसे पता चलेगा कि हम सेकंड ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो अभी जो है हम चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पे आखिरी टूर्नामेंट चल रहा है वॉलीबॉल का, सो वो दिखाते हैं और उसके बाद आगे दिखाएंगे एचवीपीएन जितना बच गया था। सो पिछला ब्लॉग जाके देखो, फिर अगला ब्लॉग में आ जाना। सो गाइस, ये रहा अपना वॉलीबॉल कोर्ट, जैसे कि आप देख सकते हो आगे टूर्नामेंट चल रहा है। सो सर वगैरह भी बैठे हुए हैं सारे। सो आपने जो है भाई लोग रेफरी कर रहे हैं रेफरी। सो देखो आप थोड़ा एंजॉय करो व्लॉग को। सर कोई सर क्या सिखा रहे थे भैया? भाई क्या सिखा रहे थे, क्या चल रहा है भाई? पॉइंट पे कोच यहाँ पे ऐसे खुश हो रहे हैं। कोच साहब क्या खुशी का क्या कारण है? पॉइंट अरे दादा ले ले, बना बना बना, ए देख 3 मीटर। यहाँ पे जो है अपना इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अपना इंडोर है। सो इंजीनियरिंग कॉलेज साइड पे है, बाकी जो है आगे अभी वॉलीबॉल का टूर्नामेंट देखने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी जो ये अपना एक पुराना इंडोर है जो आपको साइड पे दिख रही है वाला। सो यहाँ चलते हैं, आपको पहले इंडोर बताते हैं, उसके बाद जो आर्चरी का ग्राउंड बताएँगे। सो उसके बाद आगे जो होगा सब बताएँगे। तो बने रहें हमारे साथ और मज़े करें ब्लॉग के पूरा देख के, क्योंकि पूरी नॉलेज मिल जाएगी आपको HVPN की। अभी देखा ये जो आया इंजीनियरिंग अपना इंडोर है, ओल्ड इंडोर। सो अभी एक न्यू इंडोर बना है, वहाँ पे भी जाएंगे हम और वो भी दिखाएंगे आपको न्यू इंडोर। वहाँ पे अंदर ही बॉक्सिंग रिंग वगैरह, टाइकोंडो वगैरह जो भी इंडोर गेम है वहाँ होती हैं। यहाँ पे हाल ही बैडमिंटन और टीटी का था। सो अभी जो है यहाँ पे आर्चरी का ग्राउंड आपको दिखाते हैं। सो वो आर्चरी का ग्राउंड बिल्कुल अपने ओल्ड इंडोर के अपोजिट साइड में है, रहा अपना आर्चरी का ग्राउंड। सो वहाँ देखो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो ये हर गेम का ग्राउंड है भाई यहाँ पे HVPN में। ये रहा अपना इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज वालों का वॉलीबॉल कोर्ट। सो यहाँ से जो है अपना इंजीनियरिंग कॉलेज जो है स्टार्ट हो जाता है। ये रहा अपना इंजीनियरिंग कॉलेज। सो यहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड में अपना लॉन्ग टेनिस का ग्राउंड बना है। सो उसके सामने अपना जो ये है अपना एथलेटिक ट्रैक। सो एथलेटिक इवेंट जो भी जितने भी होते हैं वो सारे यहाँ होते हैं। ये जो रहा ट्रैक अपना, और वहाँ पे भी हॉस्टल है, मतलब BPR वालों बच्चों को मिलता है। सो ये अपना मेन ट्रैक। अभी जो है प्रैक्टिस कम हो गई है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की अभी हो चुकी हैं सारी। सो इतने बच्चे नहीं दिखेंगे, लेकिन बाकी बच्चे जो है रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। अपना लॉन्डन का कोर्ट आ गया, नया बनाया गया अभी पूरा सिंथेटिक। सो इसके आगे जो अपना यहाँ से क्रॉस करते ही आ गया अपना जो है इंडोर है। सो अब वहाँ इंडोर दिखाते हैं। आपको अगर मज़ा आ रहा है व्लॉग देखने में तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। जो भी बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं यहाँ पे और जो भी HVPN में कुछ भी जानना चाहते हैं, सो उनके साथ शेयर करें व्लॉग को, पूरी वीडियो को। सो उनको पूरी ना पता चल जाएगा कॉलेज कैसा क्या क्या है अंदर। सो बाकी जो है अभी हम जा रहे हैं इंडोर वाली साइड और आपको इंडोर दिखाते हैं। सो वहाँ पर इंडोर में हॉस्टल भी है बच्चों का। सो अभी जो है सारे बच्चे जो है असेंबली वगैरह में गेम है, जैसे टूर्नामेंट चल रहे हैं सारे बास्केटबॉल का फुटबॉल का, यहाँ पर चलते ही रहते हैं। हर दिन कोई ना कोई टूर्नामेंट होता है क्योंकि अभी तो ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन गई है। सो ऐसे ही डेवलप है यहाँ पे। सो बाकी जो है खाने का यहाँ पे थोड़ा बहुत परेशानी होती है, बट बाकी जो आपका ग्राउंड वर्क यहाँ पे बहुत अच्छा है। सो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं इंडोर न्यू वाला। हम जा रहे हैं अपने इंडोर वाली साइड, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। सो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं इस ग्राउंड में, और इसके सामने वाली जो बिल्डिंग आपको पीछे दिख रही है वो है इंडोर। सो अभी चलते हैं इंडोर में और आपको दिखाते हैं इंडोर। ये रहा अपना इंडोर, इसमें कुछ BPR के हॉस्टल भी हैं इधर नीचे, और बाकी जो है इंडोर है पूरा। चलो अंदर अंदर जाके दिखाते हैं। और इस इंडोर का नाम है मेजर ध्यानचंद इंडोर स्टेडियम।
सो अभी ये रिसेंट ही बना है, मतलब कुछ 5-6 साल हुए बने हुए। सो ये रहा अपना इंडोर, यहाँ पे कबड्डी की प्रैक्टिस, टाइकोंडो और बॉक्सिंग। अभी बच्चे आ रहे हैं, सो बच्चे आए नहीं अभी। सो इस साइड हॉस्टल है और लाइटिंग मेरा प्रॉपर है यहाँ पे, और इस साइड भी हॉस्टल में बच्चे रहते हैं बीपीएड वाले। सो यही है इंडोर। सो अगर इस व्लॉग को आपने थोड़ा भी अगर ऐसा अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। इस इंडोर के सामने ही हम अपना आज का व्लॉग करते हैं एंड। सो आप दोनों व्लॉग पूरे देखना ICPM के, क्योंकि मुझे नहीं मिले थे। मैं नहीं सोचता कि किसी और बच्चे को भी परेशानी हो ICPM ढूंढने में और ICPM कैसा अंदर, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि पहले मैं अपना कॉलेज देख लूँ कैसा है और उसके बाद ही वो डिसाइड करेगा यहाँ आना या नहीं आना। सो गाइज, अगर कुछ भी अच्छा लगा होगा इस व्लॉग में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।